हेलो दोस्तों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लिखेंगे हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि पेंटिंग राइटिंग को कैसे सुधारें, पेंटिंग राइटिंग में कैसे सुधार करें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड को पेंट करके देखेंगे। तो बोर्ड को पेंट करने के लिए ब्रश चलाने का तरीका यही है कि ब्रश को दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे चलाएं, ताकि बीच में कोई आड़े तिरछे रेशे या निशान ना पड़े। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पेंट लेंगे और ब्रश लेंगे और ब्रश की कलम बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये पेंट में ब्रश को डुबोकर ब्रश पर जितना भी पेंट लगता है वो सब उतारना पड़ता है। थोड़ा सा ही पेंट रहने देना चाहिए ताकि बोर्ड पर पेंट ना फैले और लिखने में भी कोई असुविधा ना हो। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही छोटी सी वीडियो है। तो ये कुछ रियल टाइम में बनाई है, तो कुछ इसमें स्पीड भी दी गई है। लिखे हुए अक्षरों में शेड भी लगाई गई है, शेड किस तरह से लगानी है वो भी इसमें बताया गया है। दोस्तों, अगर आप पेंटिंग राइटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को देखें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी करें, तो आप वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं। वहां पर मैंने अपना जो इंस्टाग्राम का पेज होता है उसका लिंक दिया है, उसे फॉलो करके आप चैट के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दी है। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रश्न हो, तो आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात आती है राइटिंग सुधारने की। तो इसी तरह से आप रोज़ कुछ ना कुछ शब्द या अक्षर लिखते रहें और अभ्यास करते रहें, आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक कीजिए आप राइटिंग पेंटिंग का अभ्यास। धन्यवाद।